Hi friends, this is Sunil from Ads Optimizer. Without making delay, let's get started. Friends, अगर आप लोग political camp run कर रहे हैं and अगर आपको ऐसा कुछ notification मिला है Facebook की तरफ से तो आपको क्या करना है? Friends, सबसे पहले हम start करते हैं कि इस notification में है क्या? Friends, जो first paragraph में है उसमें लिखा हुआ है कि We will no longer allow ads. इसका मतलब है Facebook अब आपको ad run करना allow नहीं कर रहा है with a disclaimer listing your personal name. अगर आपने अपने personal name में disclaimer add करा है तो अब आप political campaign run नहीं कर पाएंगे and जो अभी ad run हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? Pause हो जाएगा. Second paragraph में given है. तो friends, exact ये है क्या? Friends, इसमें जो सिनेरियो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपने अपने पर्सनल प्रोफाइल में डिस्क्लेमर ऐड करा है एंड उससे आप जिनका भी आप ऐड रन कर रहे हैं तो वो इजिली आप उनका ऐड रन कर पा रहे हैं एंड उसी को आपने ऐड अकाउंट से लिंक करा होगा. बट नाउ अभी क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. लेट्स से कि अब मुझे इनका ऐड रन करना है तो अब इनका क्या करना होगा, आपको स्पेशली इनके पेज में जाके आपको डिस्क्लेमर ऐड करना होगा. तो लेट्स से आपने पेज ओपन करना है, सेटिंग पे जाना है सेटिंग पे जाने के बाद से आप चले जाएं न्यू पेज एक्सपीरियंस एंड इसके बाद जाने के बाद से आप चले जाएं इशू इलेक्ट्रोल एंड पॉलिटिकल एड्स में क्लिक कर ले. इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें एंड यहाँ पे गिवन है क्रिएटर डिस्क्लेमर. तो अब आपने स्पेशली इस पेज के लिए डिस्क्लेमर आपको बनाना है. सो लेट्स से मैं ये वाला ले देता हूँ. नेक्स्ट नेक्स्ट फर्स्ट वाला ऑप्शन लेना है आपको एंड यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स को फिल कर दें. मैंने फिल कर दिया एंड ये ऑप्शनल है तो उसको छोड़ देते हैं. नेक्स्ट एंड यहाँ पे आपको फोन नंबर डाल के ये पेज को वेरीफाई करना है. वो कॉल आ गया है. वो कॉल डिसकनेक्ट हो गया. ठीक है, अब कॉल आया है. Your verification code is 4270. Your verification code is 4270. Your verification code is 4270. फ्रेंड्स, अब मैंने वो कोड यहाँ पे एंटर कर दिया एंड नाउ आस्किंग ईमेल आईडी. तो मैं ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ एंड सेंड कोड. अब ये ईमेल आईडी पे भी कोड ये जाएगा तो वो कोड भी यहाँ पे आपको एंटर कर दिया होंगे. सो मैंने फोन ओपन कर लिया एंड कोड मैं देख लेता हूँ. आई थिंक कोड आ चुका है. जो कोड है 962828 मैंने नेक्स्ट करा एंड ये मैं हाइड कर देता हूँ. एंड फ्रेंड्स, आप इसे हाइड भी कर सकते हैं. सो मैंने हाइड कर दिया. गिवन है ऑप्शन तो एड्रेस हाइड करने में क्या जाता है एंड सबमिट. अगर एड्रेस हाइड करने का ऑप्शन नहीं होता तो मैं नहीं करता. फ्रेंड्स, अब ये हुआ कि अब हमने जिस पेज के लिए ऐड ऑन करना है उसमें हमने डिस्क्लेमर के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया एंड इट्स शोइंग कि 24 आवर्स का टाइम लग सकता है. देन तो अब हमें क्या करना है कि ये डिस्क्लेमर हमने डाल दिया, ड्यू के लिए चला गया. अब आपने एक और सेटिंग करनी है कि अब आपको लिंक ऐड अकाउंट, इस पेज को कौन से ऐड अकाउंट से आपको ऐड ऑन करना है. सो वो मैंने इसको इनको असाइन कर दिया एंड सेव कर दिया. तो फ्रेंड्स, ये दो स्टेप आपको करने होंगे एंड थर्ड स्टेप आपको करना है कि आप जब वो ऐड अकाउंट बनाए, लेट्स से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, आप क्रिएट पे चले जाएं. क्रिएट पे जाने के बाद से आपको एंगेजमेंट पे क्लिक करना. ऑब्वियसली बात है, आपको पोस्ट पे वीडियो पे एंगेजमेंट चाहिए. सो एंगेजमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया. कंटिन्यू. अब यहाँ पे आपको क्या करना है,
फ्रेंड्स कैंपेन नेम देखिए, यू नो आपको पता है, आप इसे एंटर कर लीजिएगा कुछ भी पॉलिटिकल एड्स, मैं इसे ऑल एड्स कर लेता हूँ एंड इसे मैं 18 जून रख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहेगा ऑल एड्स 18 जून। कैटेगरीज में आपको लेना है सोशल इशू, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल्स, आप ये ले लें। ये लेने के बाद से आप वो पेज सेलेक्ट कर लें। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कंफर्म्ड है एंड वो पेज भी यहाँ से ऑटोमेटिकली मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा एंड सिलेक्ट करने के बाद से इजिली आप, अब आप जैसे पहले आपने कैंपेन बनाया होगा इसके बाद वो स्टेप्स फॉलो कर लें एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कैंपेन को रन करने में। आप आगे का फर्दर सेटिंग जैसे आपको पता है आप करें, ऐड रन करें, ऐड स्मूथली रन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो प्लीज कमेंट बिलो। एंड फ्रेंड्स अगर आपको इसके पहले वाले स्टेप नहीं पता, वो सारे सेटिंग्स देखने हैं, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वहां से लर्न कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।